अरे भाई, अगर आपको ऐसा मटेरियल पढ़ाना है छात्रों को तो उन्हें कम से कम हम इल्तजा करते हैं, उन्हें गूगल और यूट्यूब के भरोसे ही छोड़ दीजिए। तो किस बात का पैसा ले रहे हैं अगर आपको कॉपी करना है मटेरियल अलग जगहों से? हम पूछ रहे हैं कि ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये गलतियां हैं। ये गलतियां वो हैं जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम छात्र हैं जो सही शिक्षा मांग रहे हैं और हमें शिक्षा नहीं दी जा रही है, हमें ये बैरिकेड दिए जाते हैं जो हमारी शिक्षा और सही शिक्षा के बीच में दूरी को बताते हैं। पर ये इतना गौर भी नहीं करते, क्योंकि सारा गौर तो वो 70-80 हज़ार बच्चे जो रेगुलर में पढ़ते हैं उन पर दे दिया जाता है। एसओएल के हिसाब से अमृत महोत्सव के 4 साल गुजर जाते हैं, आजादी हमको 1945 में ही मिल जाती है। एक्चुअल गलती है, गलती कैसे? भारत 1945 में आजाद हुआ, हम आजादी का 77वां साल मना रहे हैं कि 69वां साल? कोई हमें ये बता दे, क्या संविधान 1994 में लिखा गया, आज से मुश्किल से 30 साल पहले? ये कौन सा संविधान है? ये बैरिकेडिंग किस लिए है? क्या इसीलिए देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं होती है? बैरिकेडिंग नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी हिंसाएं होती है, पुलिस कहीं नहीं दिखता। लेकिन जब छात्र अपने हकों के लिए आते हैं, पुलिस प्रशासन उनकी आवाज को दबाने के लिए, हमें तो यहाँ पे रोका जा रहा है। घटिया है, ऐसे घटिया स्टडी मटेरियल को रिव्यू किया जाए, जिन्होंने ये मटेरियल लिखा है उन पर FIR किया जाए और लाखों लाखों छात्रों का जो भविष्य है उसको खराब करने से बचाया जाए। कुप्रबंधन, उसके घोटाला, उसकी धांधली सामने आती है, चाहे वो पैसों का घोटाला हो चाहे वो शिक्षा का घोटाला हो। जब इतनी सारी गलतियां हैं, गलतियों को छिपाने के लिए, हमारे आवाजों को दबाने के लिए लगातार ये दमन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरे और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के ITU पर, जहां पर जो है छात्रों का, DU के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। बीच में आपको बैरिगेटिंग दिख रही होगी, आगे कुछ छात्र हैं, पीछे कुछ छात्र हैं। ये लोग जो है ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं UGC को। हमने कोशिश की कि हम आगे जाकर आगे कुछ छात्रों से भी बात करें, पर यहाँ पर जो आप पुलिस फोर्स देख पा रहे होंगे, ये हमें जाने से रोक दिया है इन्होंने। हमें आगे जाना अलाउड नहीं है। जो लोग पीछे हैं उन्हें, जो छात्र पीछे हैं उन्हें भी आगे नहीं दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है। और सामने आप देखें तो UGC का ऑफिस है। यहाँ पर जो छात्र जो हैं ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, जो भी उनके सिलेबस में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर जो है ये लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें भी रोक दिया गया है। मीडिया को रिपोर्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। सर, क्या कहेंगे, क्यों रोका जा रहा है आपको यहाँ पर? देखिए, सीधी सीधी बात है, जब इतनी सारी गलतियाँ हैं, गलतियों को छिपाने के लिए, हमारे आवाज़ों को दबाने के लिए लगातार ये दमन किया जा रहा है। हम बस पुलिस प्रशासन से एक ही बात कह रहे हैं, हमारे मटेरियल में तमाम गलतियाँ हैं। हमारा मटेरियल तीसरे दर्जे का भी नहीं है, हमारा मटेरियल बेहद घटिया है। ऐसे घटिया स्टडी मटेरियल को रिव्यू किया जाए, जिन्होंने ये मटेरियल लिखा है उन पर FIR किया जाए और लाखों लाखों छात्रों का जो भविष्य है उसको खराब करने से बचाया जाए। हम बस शांतिपूर्ण तरीके से UGC चेयरमैन से मिलने आए हैं और हमें जब यहाँ पर रोका जा रहा है, रोका क्यों जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब छात्र अपने आवाज़ उठाते हैं, दलित अपनी आवाज़ उठाता है। SOL में कौन पढ़ता है? SOL में दलितों का बड़ा हिस्सा पड़ता है। SOL में बीते 10 सालों में जब दलितों की संख्या में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 6 से 8 गुना आदिवासी छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, SC ST छात्रों में बढ़ोतरी हुई, तब ऐसे जो वंचित समुदाय से आते हैं, दलित वर्गों से आते हैं, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, और जब हमें रोका जाएगा तो हमें मजबूरन यहीं पर अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है। हम यही कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, आधे लोग जो है उस पार हैं, आधे लोग इस पार हैं। हम मीडिया वालों ने कोशिश की आगे जाकर बात करने की, हमें भी रोक दिया गया। देखिए, हम जब बात करने जा रहे हैं, हमें बीच में रोका जा रहा है और लगातार बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ये करने के सामने। ये बैरिकेडिंग किस लिए है? क्या इसीलिए देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं होती है? बैरिकेडिंग नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी हिंसाएं होती है, पुलिस कहीं नहीं दिखता। लेकिन जब छात्र अपने हकों के लिए आते हैं, पुलिस प्रशासन उनकी आवाज को दबाने के लिए, हमें यहाँ पे रोका जा रहा है, जिसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और साथ साथ ये हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके इस दमन से हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी आवाज को पहुंचाएंगे और अपनी दिक्कतों को दूर करके रहेंगे। आपके आने से पहले ये तैयारी में थे बैरिकेडिंग लगाकर? देखिए, पुलिस प्रशासन पहले से तैयारी करे, जो भी करे, हमें जरूरी है कि हम अपनी आवाजों को उठाएंगे, चाहे कितना भी दमन हो, कितनी भी कोशिशें क्यों ना हो, हम अपनी बातों को उठाएंगे। क्योंकि सिर्फ ये हमारा अपमान नहीं है, हमारे इतिहास का अपमान है, हमारी इस संस्कृति का अपमान है, हमारी इस ज्ञान परंपरा का अपमान है। और
जैसे तमाम चीजें इन सब चीजों पे हमला हो रहा है, तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपनी आवाजों को उठाएंगे और जरूर आगे। अच्छा, ये जो आपने बोर्ड लिया है वो तमाम गलतियां हैं, ये तमाम गलतियां हैं, इन तमाम गलतियों के कुछ चुनिंदे उदाहरण है। आप गलतियों की किताब निकालेंगे तो 500-600 पन्ने की मोटी किताब बनेगी, हो सकता है उससे बड़ी बने, ऐसा कोई भी कोर्स मटेरियल। समझाइए कि क्या कुछ गलतियां हैं और इसके सही रूप जो है क्या है। देखिए, गलतियां तमाम तरह की है। प्लेजराइज्ड मटेरियल है, प्लेजराइज्ड मटेरियल का मतलब है कि एसओएल ने चेप दिया है, एक दूसरे द्वारा लिखे गए हिस्सों को अपने ही नाम से छाप दिया है, जिसको एकेडमिक मामले में एक बड़ी चोरी मानी जाती है। इसके अलावा फैक्चुअल गलती है। गलती कैसे, भारत 1945 में आजाद हुआ, हम आजादी का 77वां साल मना रहे हैं कि 69वां साल, कोई हमें यह बता दे। क्या संविधान 1994 में लिखा गया, आज से मुश्किल से 30 साल पहले, ये कौन सा संविधान है? क्या ये लिखा गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है 8 सदस्य थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गलत लिखा गया? ऐसे लिखा गया है कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बन के लाल बहादुर शास्त्री को सफल किया, और ये सब तो छोटी मोटी गलतियाँ हैं। हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष रहे हैं उनका अपमान किया गया, ज्योतिबा फुले का नाम लिखा गया है ज्योतिराय, विवेकानंद को कहा गया अनैतिक, उनकी किताबों को गलत कहा गया, और हमने लगातार वही उन्हीं को दिखाया गया है, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, और लगातार आप देखेंगे हर एक किताब में दिक्कत है। प्लेजरिज्म है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ऐसा ऐसी कोई किताब उठा लाइए जिस किताब में गलतियां ना हो। तो क्या ये सारी चीज़ें जानबूझकर लिखी गई हैं आप लोगों को पीछे करने के लिए? देखिए, जानबूझकर लिखी नहीं जाती तो एसओएल की कमेटी लिखती, एसओएल के राइटर बोर्ड लिखते, एडिटोरियल बोर्ड से पास होता, डीयू के एसी मेंबर से पास होता, और तब जाके ये पास होता। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है, और ये सोची समझी साजिश है। यहाँ पर और भी तमाम छात्र हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो दूसरी तरफ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी, आज दो टुकड़ों में बांट दिया गया है, एक कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, मीडिया वालों को उधर आने से रोक दिया गया है, आपसे बात नहीं करेंगे। देखिए, आप मान लीजिए ये दो पहलू जो हैं, ये रेगुलर कॉलेज और एसओएल कॉलेज है, एक तरफ मीडिया को रोक दिया जाता है सारे मुद्दे देखने के लिए, और ये बैरिकेड के पीछे जो है ये एसओएल के मुद्दे हैं, ये वो एसओएल के मुद्दे हैं जिसके मटेरियल पर इतना गौर भी नहीं किया जाता कि अमृत महोत्सव के 2 साल बाद एसओएल के हिसाब से अमृत महोत्सव के 4 साल गुजर जाते हैं, आजादी हमको 1945 में ही मिल जाती है। ये वो एसओएल मटेरियल है जिसमें बताया जाता है हमारा संविधान 1900 से हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम आगे आने वाले दिनों में 94 में रचा गया। अच्छा, यहाँ पर जो है पुलिस के हाथों में डंडे दिख रहे हैं, जिस तरीके से ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे कोई उग्रवादी आ गया हो, उस तरीके की तैयारी दिख रही है पुलिस में। देखिए, पुलिस तो जो ऊपर पदों में बैठे हैं उनको बचाने का काम करती ही आई है। हम लोग पहले वीसी ऑफिस में डीयू में भी गए थे अपनी गुहार लगाने, वहाँ भी पुलिस आई थी, बार बार पुलिस आके ये बताती है कि जो लोग न्याय मांग रहे हैं, हम छात्र हैं जो सही शिक्षा मांग रहे हैं, और हमें शिक्षा नहीं दी जा रही है, हमें ये बैरिकेड दिए जाते हैं जो हमारी शिक्षा और सही शिक्षा के बीच में दूरी को बताते हैं। शिक्षा का तो सबका अधिकार है, और अच्छे शिक्षा और बढ़िया शिक्षा का सबका अधिकार है, फिर आप लोगों के साथ गलत इतिहास पढ़ाकर ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, साफ सी बात है, एसओएल पर ये इतना गौर भी नहीं करते, क्योंकि सारा गौर तो वो 70-80 हज़ार बच्चे जो रेगुलर में पढ़ते हैं उन पर दे दिया जाता है। ये मटेरियल बनाने के लिए अलग अलग टीचर्स को पैसा मिलता है, और ये पैसा ये विकिपीडिया से कॉपी करने में, दृष्टि आईएएस, बायजूस, इनसे कॉपी करने में लगा देते हैं, तो किस बात का पैसा ले रहे अगर आपको कॉपी करना है मटेरियल अलग अलग जगहों से? हम पूछ रहे हैं कि ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ वो हैं जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, विवेकानंद प्रिंसिपल से अनप्रिंसिपल हो जाते हैं। अरे भाई, अगर आपको ऐसा मटेरियल पढ़ाना है छात्रों को, तो उन्हें कम से कम हम इल्तजा करते हैं, उन्हें गूगल और यूट्यूब के भरोसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इनका मटेरियल पहले ही समय से नहीं मिलता है। मुझे लगता है जो लोग ये मटेरियल बिना पढ़े जाते होंगे वो शायद पास हो जाए, क्योंकि ये मटेरियल पढ़ के तो कोई पास हो नहीं सकता है। आप लोग शांति प्रिय ज्ञापन सौंपने आए थे, ज्ञापन सौंपने से क्यों रोक दिया गया आपको? क्योंकि वो लोग डरते हैं, वो अनदेखा कर देना चाहते हैं उन सब मुद्दों को
जिससे एक बड़ी संख्या में छात्रों को फर्क पड़ता है। अभिजात वर्ग के छात्रों के सिवाय जो भी हाशिए से आता है, माइनॉरिटी से आता है, उन सभी छात्रों की मांगों को दबाने का एक कुचक्र है ये, जिसमें बार बार एसएस की कुप्रबंधन, उसके घोटाला, उसकी धांधली सामने आती है, चाहे वो पैसों का घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा का घोटाला हो। ओबीसी एससी एसटी के जो भी छात्र हैं या माइनॉरिटीज के, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या दिक्कत है उनसे? देखिए, ये दौरापन है, हमारी शिक्षा हमेशा से दौरी रही है। कहीं प्राइवेट स्कूल होता है, कहीं सरकारी स्कूल होता है। डीयू में भी एक सरकारी रेगुलर कॉलेज होता है और एक प्राइवेट एसओएल होता है, और जो प्राइवेट एसओएल में छात्र आता है उसको आगे नौकरी में नहीं, उसको बेरोजगारी में धकेलने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिससे वो ये डिग्री तो ले बट वो किसी काम की डिग्री ना हो। तो हम यहाँ से ये मांग उठा रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, इस मटीरियल को बदला जाए तुरंत, जिसने ये लिखा है उस पर कार्रवाई हो और एसओएल का एक संपूर्ण वित्तीय और अकादमिक ऑडिट हो। आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके के जो है यहाँ पर एसओएल में जो है ज़्यादातर एससी एसटी ओबीसी के बच्चे होते हैं, माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं होते हैं, और ये बड़ा तबका होता है जो एसओएल में पढ़ने आता है, और इनके साथ जो है जानबूझकर, जैसे कि ये छात्र बता रहे, जानबूझकर इन्हें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है और इनका फ्यूचर जो है, इनका भविष्य जो है वो एक अंधकार में डाला जा रहा है। ये शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिप्रिय पहले ये ज्ञापन सौंपने आए थे, जिसके बाद बैरिगेट लगाकर इन्हें रोक दिया गया। उसके बाद जो है युवाओं में गुस्सा भड़का और ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए, और उसके बाद जो है पुलिस जो है पूरी तरीके से तैनात हो गई, मीडिया वालों को बात करने से भी रोक दिया गया। जितने लोग बाहर छूट गए थे उनके उनसे ही हम बात कर सकते हैं, जो अंदर चले गए हैं हम अंदर जाकर उनसे बात नहीं कर सकते, ये पुलिस ने हमें रोक दिया है। हम बाहर ही बाहर बात कर पाए हैं, जो लोग बात कर पाए हैं तो उनसे, और हमें अंदर जाने से रोक दिया गया है, उन्हें ज्ञापन सौंपने से रोक दिया गया है, जिसके बाद युवाओं में जो है गुस्सा भड़क गया। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।